आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जीडीए बोर्ड की 122वीं बैठक में महायोजना 2031 पर अध्यक्ष मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में हुआ साकुशल संपन्न। विभिन्न प्रस्तावों पर लगी मुहर। जीडीए उपाध्यक्ष ने कहा, बोर्ड के सदस्यों और नागरिकों का सुझाव मिलने के बाद महायोजना 2031 को बोर्ड में रख कर दिया जाएगा पास। ओडीओपी में शामिल टेराकोटा को लोकल से ग्लोबल बनाने में जुटी योगी सरकार। पंजाब एंड सिंध बैंक के कार्यकारी निदेशक व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने सीएम योगी व एसीएस एमएसएमई नौनी सैगल से की मुलाकात। गोरखपुर के 5000 टेराकोटा शिल्पकारों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराएगा बैंक। पूंजी बढ़ाकर कारोबार को और रफ्तार देंगे टेराकोटा के शिल्पकार। पूर्वोत्तर रेलवे ने कुछ ट्रेनों में टिकट कंडक्टरों को एचएचटी डिवाइस से किया लैस। डिवाइस के माध्यम से ऑटोमेटिक अनकंफर्म यात्री का ट्रेनों में ही होगा टिकट कंफर्म। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। शनिवार और रविवार को तारामंडल स्थित नौकायन पर घूमने आने वाले लोगों की सुरक्षा व सुगम यातायात व्यवस्था के लिए ट्रैफिक विभाग ने वहां नई यातायात व्यवस्था की शुरुआत। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी। जनपद के सभी ब्लॉक प्रमुखों के साथ सीडीओ संजय कुमार मीणा ने की बैठक। कहा, सभी ब्लॉक प्रमुख अपने अपने क्षेत्र में गरीब मजदूरों को मनरेगा में शामिल कर उन्हें 100 दिन का दे रोजगार। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस के उपलक्ष में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज स्मृति सप्त दिवसीय व्याख्यान माला के तीसरे दिन केंद्रीय आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य डॉक्टर राजेश कोटेजा ने साझा की आयुष की प्रगति की जानकारी। कहा, 6 साल में 6 गुना बढ़ी है आयुष मेडिसिन इंडस्ट्री। कोरोना के दौर में आयुष की वैश्विक उपलब्धियों को देखकर जामनगर में अपना सेंटर खोल रहा है WHO। रेल यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की है सर्वोच्च प्राथमिकता। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा, जीवन रक्षा अभियान के तहत लगातार यात्रियों को किया जाता है जागरूक। दुष्कर्म के आरोप में एक अभियुक्त आजाद को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। डीडीएमए व यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में गोरखपुर विश्वविद्यालय के रक्षा अध्ययन विभाग में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव पर गोष्ठी का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, जलवायु परिवर्तन अब जमीनी स्तर पर हो रहे हैं महसूस। ग्रामवासियों से सभी लोगों को जानकारी लेने की है आवश्यकता। राजकीय आईटीआई चरगांव पर रोजगार मेले का किया गया आयोजन। रोजगार मेले में 140 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने किया प्रतिभाग। 74 अभ्यर्थियों को मिला रोजगार। सहायक रोजगार सहायता अधिकारी ने दी जानकारी।